आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल का वाईफाई जो है वो कनेक्टेड होने पर भी मोबाइल फोन का वाईफाई का इंटरनेट नहीं चलता है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मोबाइल फोन का ना आपको ये फाइल का ऐप ओपन कर लेना है। फाइल के ऐप में आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में नीचे आना है, ठीक है ना। नीचे आएंगे तो नीचे की साइड आपको ये ऑप्शन मिलता है मेटा सर्विस, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको एक क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाता है। अब आपको बैक पेज पे जाना है। अब इसके भी बैक पेज पे जाना है, तो आपने जो मेटा सर्विस सिलेक्ट किया था ना, इसी पेज में आपको जो ऊपर की साइड आना है, ठीक है। ऊपर आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम करना यह है कि मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या इस तरीके का ये डाउनलोड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।